देखो इस क्वेश्चन में एक दीवार है, बॉल आती है, बॉल जाती है, आती एम वी, जाती एम वी, तो चेंज इन मोमेंटम बोलो कितना, 2 mv. क्वेश्चन हमने कर लिया, डन. नेक्स्ट, एक बॉडी का मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर निकालना है. तो क्या करेंगे इसमें, डेल्टा पी वेक्टर क्या है, चेंज इन फाइनल मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर पूछ रहा है तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, m कॉमन आ गया, m की वैल्यू पता है मुझे, v वेक्टर वो रहा, u वेक्टर ये रहा, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर आंसर, तो आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आएगा. ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर समझ में आ रहा है, फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर, राइट. नेक्स्ट सपोज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, आपको क्या सिलेंडर है, ये कहां का सिलेंडर हो गया, प्लस वन में चेंज हो गया लगता है, 10 तक तो सिलेंडर पता होता था क्या होता है. तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसे है, ये सिलेंडर है, आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड के अंदर है ऐसे, ठीक है. ये इसके ऊपर एक वायर है ऐसी, ये वायर रस्सी है, इस रस्सी के यहां पर मास है, इस रस्सी के यहां भी मास है, इधर मास लगा दिया, इधर मास, तो अगर आपने वो सही तरह नहीं लगाया तो सिलेंडर रोल हो जाएगा, मासेस गिर जाएंगे. अगर ये भारी हो गया तो ऐसे घुमा देगा, ये भारी हो गया तो ऐसे घुमा देगा. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम है, ऐसे एडजस्ट किया मासेस को, ऐसे एडजस्ट किया एम टू एम वन को, कि ना तो सिलेंडर राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है. पॉइंट समझ में आया, तो ये सिस्टम किसमें गिवन है, इन इक्विलिब्रियम, सही है. तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है और एम वन ने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया, तो आपको प्रूव करना है साइन थीटा एम टू बाई एम वन के इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम की का केस है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब नेट फोर्स मासेस पे क्या होती है, जीरो. नेट फोर्स तो बाद में जीरो करेंगे, पहले फोर्स क्या है वो देख तो लें, कौन कौन सी फोर्सेज हैं. तो पहली फोर्स क्या होती है, वेट. इसका वेट एम टू जी नीचे, इसका वेट एम वन जी नीचे, चाहे कैसे भी बॉडी पड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी, वेट हमेशा नीचे. तो एम वन जी एम टू जी क्लियर है. रस्सी में क्या आ जाएगी, टेंशन, रस्सी टाइट हो जाएगी, तो टेंशन. अब टेंशन की स्टोरी क्या है, टेंशन के अंदर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे रस्सी जा रही है, ये एक टेंशन है टी और एक ये टेंशन है टी, बिल्कुल गलत. टेंशन इज अ वेक्टर, और वेक्टर कभी गोल या कर्व होता ही नहीं, वेक्टर स्ट्रेट होते हैं, क्लियर है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ सीधा वेक्टर ड्रॉ करते हैं टेंशन टी, और यहां सीधा नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, इस पोर्शन में टेंशन को टेंजेंशियल बना देते हैं, टेंजेंट. गोल नहीं बना सकते टेंशन, तो हवा में जाती है, जाने दो, यानी कि यहां की टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ है. मैं इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझाता हूं, जैसे कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, और लेट अस सपोज ये रस्सी है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी. यहां पर अगर पूछूं वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ड्रॉ अ टेंजेंट, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर, ड्रॉ अ टेंजेंट, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर, ड्रॉ अ टेंजेंट, राइट. क्योंकि वेलोसिटी कभी गोल नहीं हो सकती ना, वेलोसिटी तो वेक्टर, तो ड्रॉ अ टेंजेंट, क्लियर है यहां तक. अच्छा, इसका प्रूफ ऐसा क्यों हुआ, आप पत्थर घुमा रहे थे, रस्सी टूट गई आपसे, यहां से पत्थर गोल नहीं घूमेगा, पत्थर कहां चला जाएगा, सीधा जाएगा टेंजेंशियली, इसका मतलब उसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल था. जहां मर्जी पत्थर को रस्सी तोड़ के देख लो, पत्थर स्ट्रेट जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल है. पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें. तो इसलिए टेंजेंट, ये सॉरी, ये जो टेंशन बनाई, ये टेंजेंट की तरह बनाया. अब ये अगर एम वन जी है, ये थीटा थीटा अल्टरनेट है, तो एम वन जी के दो कॉम्पोनेंट बनेंगे. पहला कॉम्पोनेंट इस तरफ कितना, एम वन जी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इस तरफ कितना, एम वन जी साइन थीटा, क्लियर है. इसका वेट कितना है, एम टू जी, और टेंशन क्या है, टी, राइट. दो फोर्सेस इसकी क्लियर है, इसकी ये फोर्स क्लियर है, एम वन जी कॉस थीटा, एम वन जी साइन थीटा. रादर इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन इस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. तो अगर मैं पूछूं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होगा, एम वन जी कॉस थीटा. पर हमें ये चाहिए नहीं है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स. तो यहां पर ऊपर की फोर्स क्या है, टी, नीचे की फोर्स क्या है, एम टू जी. तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, T इज इक्वल टू एम टू जी. तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, तो वो बॉडी किस में आ गई, इन इक्विलिब्रियम आ गई. अब इसकी बात करते हैं, बॉडी ना नीचे आ रही है ना ऊपर जा रही है, तो यानी कि T मस्ट बी इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा. तो T इज इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा.
तो ये भी इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये भी टी, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं, जी और जी कैंसिल आंसर। तो इक्विलिब्रियम में कुछ करना ही नहीं है, सारी फोर्सेस ड्रॉ करो और लेफ्ट और राइट की फोर्स, लेफ्ट और राइट की फोर्स या ऊपर और नीचे की फोर्स को इक्वेट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। जैसे इसमें टेंशन टी इधर है, इसमें टेंशन टी इधर है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो टी इक्वल टू एम टू जी, ये बॉडी नीचे स्लिप हो सकती है, क्यों, इसका वेट इसको नीचे लेके जाएगा, एम वन जी साइन थीटा, कौन बचाएगा, टी, तो टी मस्ट बी इक्वल टू एम वन जी साइन थीटा, इन्हें इक्वेट करके आंसर आता है, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ग्राफ दे रहा है, कौन सा ग्राफ दे रहा है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी, हमने मोशन चैप्टर में किया था। तो यहाँ पर 2 सेकंड तक इसकी स्लोप अगर हम निकालें 4/2 कितनी आएगी, 2, तो 2 सेकंड तक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, राइट। आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ को और मास बॉडी का 0.1 कीजिए, आपको क्या निकालना है, फाइंड दी इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, या फिर एक और फॉर्मूला, चेंज ऑफ मोमेंटम, आज पेपर में आएगा स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, इसमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास कॉमन आ गया, फाइनल वेलोसिटी बोलो इसमें कितनी है, 0, क्योंकि कुछ देर के बाद वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसमें, 2, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 आंसर, इम्पल्स नेगेटिव है, इम्पल्स नेगेटिव क्या शो करता है कि बॉडी की रिटार्डेशन है, वेलोसिटी कम हो रही है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बॉडी जिसका मास कितना है, 2 kg है, मूविंग टुवर्ड ईस्ट, अच्छी भली ईस्ट की तरफ जा रही थी, फोर्स लग गई इसके ऊपर 4 न्यूटन लॉन्ग नॉर्थ, अब जा ऐसे रही है, आपने फोर्स नॉर्थ लगा दी, जाना तो बंद करेगी नहीं, आगे भी जाएगी साथ में ऊपर भी उठेगी, तो आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, पैराबोलिक पाथ कुछ कुछ करेगी कवर, तो 3 मीटर पर सेकंड के साथ ये ईस्ट की तरफ जा रही थी, फोर्स कितनी लग गई इसमें, 4 न्यूटन, तो अब ये इधर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, कहीं यहाँ लैंड करेगी, तो मान लो वहाँ लैंड करके कितनी देर में, इन टाइम टेकन 4 सेकंड, 4 सेकंड की जर्नी है, तो 4 सेकंड में वहाँ चली गई, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कितनी है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बॉडी यहाँ से चली यहाँ पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं आपको एक्स बता दूँ, अगर मैं आपको वाई बता दूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। तो आपको मुझे x का डिस्टेंस बताना पड़ेगा 4 सेकंड में और y का डिस्टेंस बताना पड़ेगा 4 सेकंड में। अब x के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्योंकि x के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, फोर्स कहाँ पर लग रही है, यहाँ पर y के अलॉन्ग, तो x में वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, जैसे प्रोजेक्टाइल में करते थे, तो x में कोई फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यू कैन अप्लाई इक्वेशन s इज इक्वल टू vt, तो x निकाल लें, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, 3 है, और टाइम कितना है, 4, तो 12 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी अलोंग एक्स, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 12 मीटर, राइट। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, वाई एक्सिस में फोर्स कितनी है, 4, और मास कितना है, 2, तो एक्सेलरेशन कितनी है, 2, तो वाई में एक्सेलरेशन है। अब शुरू में क्या हुआ था, बॉडी कैसे जा रही थी, एक्स के अलोंग, पर आपने फोर्स कहाँ लगाई, नॉर्थ के लॉन्ग, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0, जैसे प्रोजेक्टाइल करते थे, हम प्रोजेक्टाइल में बॉडी को ऐसे फेंकते थे, ग्रेविटी की फोर्स नीचे लगती थी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, फिर पैराबोला, इसमें फोर्स नीचे लगने की बजाय फोर्स ऊपर लग रही है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या, 0, तो वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वाई में 2 है और टाइम टेकन 4 है, तो वाई की वैल्यू आ गई, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम है ये, तो जैसे प्रोजेक्टाइल में एक्स और वाई निकालते थे, इसमें फिर से एक्स और वाई निकाल लिया, और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 4 सेकंड में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कैसे सोचना है, ये प्रोजेक्टाइल जिन लोगों ने किया उनको समझ में आ रहा होगा,
जो नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ, प्रोजेक्टर के बाद समझ में आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? दो पुली, यही मेंस की प्रॉब्लम आई हुई है इस बार, बता रहा था ना मेंस की मूविंग पुली आया है, यही मैंने उससे देख के नहीं डाला, ये बाई चांस था। ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, आप ये ना सोचो कि मैं कोई जादू करता हूँ, मैं तो सारी किताबें डाल रखी हैं इसमें, कुछ तो आएगा बोल तो रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम आई हुई है, वो कहता है कि दो पुलीज हैं, ये एक पुली है मूविंग पुली है और ये फिक्स पुली है, तो इस केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है और यहाँ से मैं खींच रहा हूँ फोर्स ऑफ 2 mg से, रस्सी को खींच रहा हूँ, ब्लॉक नहीं लगा हुआ, मैं खींच रहा हूँ 2 mg से, तो इसके अंदर ये पुली फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, एक स्प्रिंग ये जा रही है, देख रहे हो यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई ऐसे, तो इसमें टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, तो टी की वैल्यू विल रिमेन सेम। यहाँ अगर टी और टी, टी और टी, टी और टी, तो यहाँ पर कितनी 2t बताया था मूविंग पुली, तो आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको दिख रहा है कि 2t क्यों होगा, शुरू शुरू में अजीब लगता है, बाद में याद हो जाए हाँ 2t है। इसका वेट कितना है mg और यहाँ फोर्स कितनी है 2 mg। जब मैं इसे यहाँ खींचूंगा तो ये सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये मूविंग पुली है, अगर मैंने इसको खींचा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a तो ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a/2, जहाँ टेंशन डबल है वहाँ एक्सेलरेशन हाफ है, बताया था। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2t माइनस mg इज इक्वल टू m a/2, सही हो गया। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी ये नीचे की तरफ है, इक्वेशन बनेगी 2 mg नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मास तो लगा ही नहीं हुआ, तो मास की जगह क्या आएगा, जीरो, बॉक्स थोड़ा लगा हुआ है, तो फोर्स लग रही है 2 mg की, मास तो है ही नहीं, तो इक्वल टू जीरो, यहाँ पर टी इसका मतलब क्या आएगा 2 mg, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2 mg। तो आप चेक करो ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इस टी को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ए आएगा, ए आ गया तो a/2 आ जाएगा।